मेरा नाम सतिंद्रपाल सिंह है, मैं पटियाला पंजाब तो आया। असी दिल्ली हाट के पिछले 15 साल तो शॉप लगा रहे हैं। दिल्ली टूरिज्म ने सानू यह शॉप फुलकारी की प्रमोशन वास्ते यह परमानेंट दिती है, जिस दे विच डिस्ट्रिक्ट पटियाला के अंदर दूर दुराडे पिंडां च वसदे कारीगर जिन्होंने बेचारे ने अज तक दिल्ली नहीं देखिया उन्होंने हाथ दीआं बणीआं चीज़ां तुहाडे दिल्ली च आके विक रहीआं ने। फुलकारी, फुलकारी मतलब फुल्लां दी क्यारी, बाग, फुल बाग, फुल्लां नाल भरिया होया बाग। ये दो चीज़ां जिहड़ियां ट्रैडिशनल बनदियां सीगियां, ये पुराने खद्दर ते बनदियां सीगियां। पुराना खद्दर 14 गिरे अर्ज छोटा पना जिहड़ा हुंदा सी, पहला गज हुण गज बार बन गया 89 सेंटीमीटर प्लस साड़ी विड़थ जिन्हों दुपट्टा विड़थ कह दें, एक साड़ी विड़थ है 44 इंचज़ वाला, वो सवा गज बार कह दें अभी अपनी लैंग्वेज के, पर इस तो भी छोटा एक खड्डी ते कपड़ा बनता सी घर के खद्दर, वो दो पल्ले वो लगा के ते अद्धा पल्ला उहदा विचकार जोड़ पा के वो एक उहदे उपर बैक साइड तो कढ़ाई हुंदी सी। फुलकारी जिहड़ी है अज की जी मॉडर्न फुलकारी है वो ट्रेसिंग नाल हुंदी है, पहला असी वो ट्रेस करते हैं उस तो बाद असी एम्ब्रॉयडरी करते हैं, पर जिहड़ी पुरानी ट्रेडिशनल फुलकारी हुंदी सी वो उल्टी साइड तो तंदा गिण के जिहड़ा ताणा और बाणा दो चीज़ां हुंदियां सी, तंद कहिंदे आ ताणे नूं, वो ताणे दीआं तंदा गिण के धागे गिण के उत्थों स्टिच चुकदे सीगे, ते लड़की अपने दिमाग दे विच फ्लावर बनांदी सीगी। ते इहदे विच वेरियस डिज़ाइन ने, बट फिर भी असी कह सकते हाँ कि फुलकारी दे अंदर 52 डिज़ाइन पाए जाते हैं। उहदा कारण की है, साढ़े कोल इक बाग है जिहदे विच 52 दे 52 डिज़ाइन फुलकारी दे उस च पाए हुए ने, और उसका नाम है बावन बाग, उसनू बावन बाग कहिंदे ने। वो तुहानू एंटीक पीस किसी को देखने मिलन तो बावन बाग तुहानू जरूर मिल जाएगा। इस वास्ते ये चीज़ा जिहड़ियां ने हौली हौली बाग फुलकारी तो बाद खद्दर तो बाद इसनू दुपट्टियां ते उतार लिया, इसनू सूटां ते उतार लिया, जिवें जिवें टाइम चेंज हुंदा गया इसनू असी स्कर्टां ते उतार लिया। अजकल जिहड़ी मॉडर्न कुर्ती बना रहे हां असी फुलकारी दी, साड़ी बना रहे हां फुलकारी दी, दुपट्टा स्टॉल ते है ही है, बाकी होर आइटमां जिवें जिवें ट्रेंड चेंज हो रहा है उवें असी फुलकारी नू चेंज करके उन्हां ड्रेसिस दे उपर भी उतार रहे हां, तां जो फुलकारी अलोप ना होवे, वो जिंदा रहे क्राफ्ट, और फुलकारी दे काम करने वाले कारीगरां नू भी काम मिलता रहे। अच्छी फुलकारी दी की पहचान है जदों असीं खरीदन जाइए? अच्छी फुलकारी जिन्ना क्लोज स्टिच होएगा, जिन्ना असीं स्टिच नेड़े तो चकदे हां, ये देखो हुण ये किन्ना महीन काम है, जिन्ना स्टिच असीं नेड़े तो चकांगे वो जिहड़ा है काम जिहड़ा है उसनू वधिया फुलकारी तुसीं कह सकदे हो। तुसीं फ्रंट देखण दी बजाए तुसीं बैक देखो, बैक दे उपर जिन्ना नीट एंड क्लीन काम होएगा वो ज़्यादा वधिया हैगी है। बैक साइड तो ही जिहड़ी एम्ब्रॉयडरी का पता लगता है भी ये मशीनी है या हाथ दी है। अजकल मल्टी हैड्स मशीन का काम बहुत आ गया जिदे नाल सानू हाथ दे कारीगरां नू बहुत नुकसान है। नुकसान मतलब भी साडा पीस तैयार हुंदा ए वाला पीस 3 महीने च असीं तैयार करदे आ, वो पीस की है 1-2 घंटे 3 घंटे दे विच 8 हैड्स की मशीन है तो 8 पीस तैयार हो जाएंगे, 12 हैड्स की मशीन है तो 12 पीस तैयार हो जाएंगे। उहदी प्रोडक्शन ज़्यादा है, उहदे च लेबर घट है, वो एक फैक्ट्री के अंदर माल तैयार हुंदा है, यह हर कारीगर के घर के पर पीस लेबर से काम तैयार हुंदा है। कारीगर अपने घर के पीस छिपा के ट्रेसिंग करके उस तो बाद धागे बन्ने जाते हैं, ये नाल थ्रैड जो कलर कॉम्बीनेशन अप्लाई करना असी वो बन के दे दें कारीगर नूं। कारीगर अपने घर बैठा अपने हस्बैंड नूं जदों काम ते भेजता, बच्चों स्कूल भेजता, खाली टाइम के लेडीज़ इकट्ठिया होकर नाले चुगलियां करदियां ने ते नाले कढ़ाई करदियां ने, उधरों जवान भी चलती है उधरों हाथ भी चलता है, तो इस तरह ये फुलकारी निकलती है। बाकी लेडीज़ का काम होने कारण ये श्राद्धा के अंदर नरात्या के अंदर जिवें हुण फैसटिवल सीजन आ गया, मैरिज सीजन आ गया, ये भी सानू बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, उदों नीडल नहीं चलती, तो लेडीज़ जिहड़ियां अपने कोई पेकियां दे विआह चली गई कोई उधर चली गई उहदी सानू बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इन्हां दिनां च आउंदी है। पर असीं यही माल असीं गर्मियां दे विच पूरा तैयार करवा के स्टॉक करके रख लैंदे हां, जिहड़ा असीं 8 महीने च माल तैयार करवाने हां, साडा इह 2 महीनियां दे विच माल सारा विक जांदा। पहले खद्दर ते हुंदी सी, हुण किहड़े किहड़े मटीरियल ते फुलकारी मिलदी है? हुण कॉटन ते हुंदी है, प्योर चुनौन शिफोन ते हुंदी है, क्रेप ते हुंदी है, अजकल मेन 3 स्टफ चल रहे, बाकी इहदी कोटा कॉटन दे उत्ते हो रहा है काम अजकल,
कोटा कॉटन के उपर बहुत प्यारा काम हैगा, दिखाई दुपट्टा कोटे का, मैं तो उन्हें दिखा सकता, मैं दोबारा पैकिंग करनी पैनी है। असी माल पैक किया मेरे को ट्रैडिशनल बाग, अज तो 250 साल 300 साल पुराने बाग और फुलकारियाँ मेरे को हैगे है, जिसकी कीमत 35,000 तो स्टार्ट होकर 3.5 लाख रुपए तक है। एक कोटा कॉटन का दुपट्टा हैगा, इस दे नाल दी सेम असी पल्ला कहने असी ये पल्ले ते काम है, विच बूटी स्प्रे की हुई है, हैवी ये प्योर कोटा कॉटन के उपर है। ये चीज़ा अजकल बन रही ने, देखो कि बरीक काम है। तो मैं क्या थी, बैक साइड तो तुसी देखो हाथ का जी, ये बैक साइड देखो कितनी नीट एंड क्लीन है, ये टोटल हाथ का काम है। एक तुम होर मैं पछाण दसदा, जोड़ा मशीनी काम होएगा उस ईवन स्टिच होएगा, जोड़ा हाथ का काम होएगा वह अनईवन स्टिच होएगा। कितों स्टिच कितों चुक लिया, कितों चुक लिया, तो वो कढ़ाई से फर्क आता थोड़ा बहुत। यह जो दुपट्टा फड़िया हो ऑल ओवर डिजाइन है, इनू की आखते हैं, इनू बाग कहते हैं, फुलों का भरिया हुआ बाग, ये पूरा बाग है।